हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौहानिया एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक अति महत्वपूर्ण पत्र जो है मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल से जारी हुआ है, जो 10 मई 2023 की स्थिति में प्रदेश के समस्त कलेक्टर को लिखा गया है, जिसमें विषय है 10 वर्ष पूर्व बने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट किए जाने के संबंध में। ये सर्वसाधारण को ये जानकारी दी जा रही है कि 10 वर्ष अगर आपके आधार कार्ड के हो चुके हैं तो आपको पुनः उस आधार कार्ड को जो आपने दस्तावेज अपलोड करवाए थे उस समय, उन्हीं को ले जा करके फिर से पुनः नया अपडेट करवाना है। तो क्या क्या है इसमें और कब तक की सीमा समय सीमा में हमको ये कार्य करवाना है, ये सब जानेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि क्या इसमें अपडेट है नया। पत्र में दिया गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रदेश के रहवासी निवासी जिनके आधार सृजित हुए 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, यानी जिनका आधार कार्ड बने हुए 10 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे आधार कार्ड धारकों को उनके व्यक्तिगत नवीनतम विवरण को आधार के डाटा में अपडेट करवाए जाने का आग्रह है, ताकि UIDAI की सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी CIDR में नागरिक का नवीनतम डाटा सुरक्षित अपडेट रह सके। तदनुसार इस संबंध में आधार धारकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए UIDAI ने अपडेट डॉक्यूमेंट कि एक नई सुविधा विकसित की है। इस सुविधा को नागरिक एम माय आधार पोर्टल के माध्यम में ऑनलाइन एक्सेस कर डॉक्यूमेंट अपडेट 30 जून 2023 तक निःशुल्क कर सकते हैं। यह नई सुविधा आधार को उनके आधार में व्यक्तिगत पहचान के प्रमाण POI और पते के प्रमाण POA दस्तावेजों को अद्यतन करने की अनुमति प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त रहवासी आधार सेंटर पर जाकर के भी डॉक्यूमेंट अपडेट करा सकते हैं, जिसका शुल्क ₹50 के संचालक को देना होगा। अतः डॉक्यूमेंट अपडेट को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए जिलों में प्रचलित क्षेत्रीय अखबारों समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से अपील करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया जावे, ताकि डॉक्यूमेंट अपडेट का संदेश जन सामान्य तक आसानी से पहुंच सके। तो इस प्रकार का यह जो पत्र है मध्य प्रदेश शासन की ओर से निकुंज कुमार श्रीवास्तव प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा 10 मई 2023 की स्थिति में निकाला गया है, जिसमें यह कहा गया है कि जिनका भी आधार बने 10 वर्ष हो चुके हैं, उन्हें पुनः आधार के में जाकर के अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। जो दस्तावेज आपने उस समय लगाए थे वह दस्तावेज आपको पुनः ले जाना होगा और यह कार्य आपको 30 जून तक कर लेना होगा, नहीं तो आपको 30 जून के बाद में प्रति आधार कार्ड जो सुनने में आ रहा है कि ₹1000 की शुल्क इसमें लगने वाली है। तो इस तरह की एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए थी जो जन सामान्य से जुड़ी है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।